अगर आपके पास मोटो G64 5G फोन है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर बिना किसी एप्लीकेशन डाउनलोड किए हुए आप अपने फोन में फोटो वीडियो डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पर देखिए फोन में ही इनबिल्ट आपको फाइल्स का ऑप्शन मिलता है, फाइल्स को ओपन करना है और यहाँ पर बहुत सारे आपको फोल्डर मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इमेज पे जा रहे हैं और हमें कोई फोटो है जो हमें हाइड करनी है, जैसे यहाँ पर देखिए ये फोटो है, ये हमको हाइड करना है, तो इसको हम लॉन्ग प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो गया है ये, जितनी फोटो आप चाहें उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट दिखाई दे रहे हैं, थ्री डॉट पे जाना है आपको और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मूव टू सेव फोल्डर, तो यहाँ पर इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोई पैटर्न डाल देना है, तो चलिए हम आपको पैटर्न डाल के दिखाते हैं। देखिए डाल दिया है, वो फोटो जो थी वो हाइड हो चुकी है। अब आपको ये फोटो देखना कैसे है, आप चाहें तो यहाँ पर कैमरा डाउनलोड मूवी स्क्रीनशॉट जो भी है वो सब हाइड कर सकते हैं। अब आपको देखना कैसे रहेगा, तो देखने के लिए आपको यहाँ पर देखिए जैसे ही ये फाइल्स आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर सेव फोल्डर का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो पैटर्न हमने डाला था वो पैटर्न यहाँ पर हम ड्रा कर देंगे, तो ये देखिए यहाँ पर वही स्क्रीनशॉट, यहाँ पर ये देखिए ये फोटो जो है वो मिल जाती है आपको, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। अगर आप चाहें तो यहीं से आप थ्री डॉट पर क्लिक करके और मूव आउट सेव फोल्डर पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फिर से गैलरी में चली जाएगी, या परमानेंटली यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फोटो वीडियो वगैरह कुछ भी हो वो हाइड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिएगा।